ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन के अध्यक्ष मोहम्मद शफी ने एजाज अहमद खान के आवास पर शोक व्यक्त किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बांदीपोरा जिला प्रशासन से इस सप्ताह संबल में एक दर्दनाक दुर्घटना में मारे गए एजाज अहमद खान के परिवार को तत्काल राहत प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने ड्राइवर एसोसिएशन से भी आगे आने और उनके परिवार को हर संभव मदद प्रदान करने का आग्रह किया। अध्यक्ष के साथ अध्यक्ष ऑल कोऑर्डिनेशनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जिला बांदीपोरा अब्दुल रशीद और एसोसिएशन के अन्य वरिष्ठ सदस्य थे। देखिए, सबसे पहले हम इस जो दुख की घड़ी इस वक्त है इस फैमिली पे, जो हमारा ड्राइवर एजाज अहमद खान, जिसकी शहादत मैं कहूँगा, क्योंकि सुबह निकल के शाम तक ये लोगों की खिदमत करते हैं ड्राइवर्स, इनको अपने फैमिली के साथ कभी टाइम नहीं मिलता है स्पेंड करने के लिए। उनसे पूछे क्या हालात है, या कोई भी जो भी गवर्नमेंट जो भी हमारे यहाँ स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा कभी नहीं उठाते, क्योंकि इनके पास वो टाइम नहीं होता। ड्राइवरों के पास ये खिदमत ही खलक करते हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इसी मुआशरे को सबसे गलत समझा जाता है। कुछ कारण हम भी हैं, ये हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ ड्राइवर्स की वजह से, लेकिन अमूमन इस ड्राइवर को, चाहे जो भी, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो या हमारा जो एजाज साहब है जो अभी जिसकी शहादत हुई है, हमें फिर गलत इल्ज़ामों से ठहराया जाता है। इस कौम को काफ़ी बदनाम किया गया है, जबकि ये कौम बीमार को हॉस्पिटल तक, ऑफिसर को डिपार्टमेंट तक और मंजिल वाले को मंजिल तक पहुँचाते हैं। इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है, ना इसमें करप्शन है, क्योंकि जो हमें गवर्नमेंट से रेट मिलती है हम वही करते हैं, और ना इसमें कोई और चीज़ है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इस कौम को सबसे निचला कौम समझा जाता है। जो हमने आज यहाँ पर आकर इस ख़ानदान के साथ, जो हमारा इस टाइम यहाँ पर इनकी दुख की घड़ी में इनके साथ बराबर का शरीक है, वहाँ पर मैंने देखा कर्नाटक में, शायद कर्नाटक कहा था, वहाँ के स्टेट ने क्या किया है कि ड्राइवर्स को अगर कहीं भी कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता, उसको फैमिली को 15 लाख रुपए मिलते हैं और साथ साथ दो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन यहाँ उसके बदले हमें जवाब मिलता है या तो ये शराबी था, या ये चार स्पीकर था, या इसको बेहिसी, जैसे आपने मुझे कहा कि बेहिसी की सूरत में, ये हम लोगों को बड़े तकलीफ़ पहुँचता है यहाँ पर कि जब हमें ये चीज़ें कही जाती हैं। मैं सबसे पहले डीसी बांदीपोरा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस फैमिली के लिए एक्स ग्रेशिया रिलीफ दिया जाए, क्योंकि देखिए जब ये रेड क्रॉस जमा करते तो वो हम ही लोग देते हैं, तो मैंने आपको पहले कहा हम देने वाले हैं, हमें कुछ किसी ने कुछ नहीं दिया वापस, लेकिन हम चाहते हैं। अब देखिए इनकी हालत, रोना आता है कि इन ड्राइवर्स की हालत क्या है, इनको किसी स्कीम में कुछ भी नहीं है। यहाँ आके आप देखिए, यहीं नहीं, हर ड्राइवर जिसके घर में आप जाओगे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। हमारे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने एसोसिएशनस हैं, एक यहाँ पे एक वेल फॉर्म खोला जाए जिसमें जितने भी ड्राइवर्स हमारे हैं 20-20 रुपए वो अपने हर दिन के उस अकाउंट में, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा जिसकी जिम्मेवारी हम देंगे, उसमें जमा होगा, जिससे ऐसे हादसात पे वो हम, ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए था कि वो हमें फीस में काट के रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रखा है। हम चाहते हैं कि जो भी मेरे यहाँ पे प्रेसिडेंट्स हैं, कि अपने एक वेलफेयर खोजिए, उसमें एक अकाउंट जो जिसको चार बंदे चलाएंगे, लेकिन हर ड्राइवर को 10-10, 20-20 जॉब डिसाइड करोगे वो उसमें डालेगा, वो एक फॉर्म हमारे लिए एक एसेट बनेगा, इस फैमिली को चलाएगा कौन। आप लोगों ने तो सब कुछ खत्म कर, आप देखिए धीरे धीरे हमारे ड्राइवर्स को कितने टेंशन बढ़ रहा है, SRTCs बढ़ा रहे हैं बगैर किसी रूट के बढ़ा रहे हैं, और हमारे DDC जो पॉलिटिकल लीडर है इसके जिम्मेदार वो भी है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं चाहा कि इन ड्राइवरों के लिए। लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर पाइए 10 नहीं 20 नहीं पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है, जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं रेबेन वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।